भी हैं। महेश, इस पूरे मैटर को आप कैसे देखते हैं? पहले ब्लैकस्टोन से ही हवा उड़ी मार्केट के अंदर कि वो सिप्ला को खरीद रहा है, फिर बाद में प्रमोटर आए कह रहे इतने पैसे नहीं चाहिए, हमारी वैल्यूएशन तो ज़्यादा लगाओ। तो ठीक है, वो बात भी समझ में आ गई, लेकिन अब फिर नया नाम भी आ गया टोरेंट फार्मा का। और वैसे देखा जाए टोरेंट फार्मा के लिए तो ज़्यादा अच्छा बिजनेस है ना, ब्लैकस्टोन क्या करेगा इसका लेके? मॉर्निंग निफ्टी जी। नहीं, खबरें तो बहुत आ रही है सिप्ला को लेके, और कोई एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनी हो तो सिनर्जीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो एक सप्लीमेंट्री नेचर होता है कि जो प्रोडक्ट सुइट इनके पास नहीं है और सिप्ला के पास ऑफर करने के लिए, अगर ये स्टेक सेल की न्यूज सही है तो दैट डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स। बट एज अ डिस्क्लेमर, सिप्ला हमारे ग्लोबल फोकस लिस्ट में है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और हमें लगता है आई थिंक जो बिजनेस डायनेमिक्स सिप्ला ने पेश किए हैं नंबर्स द्वारा, ये बहुत पॉजिटिविटी दर्शा रहे हैं। स्पेसिफिकली यूएस बिजनेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विल ग्रो एट अ वेरी डिसेंट पेस, मार्जिन्स विल रिमेन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जैसे मैनेजमेंट ने दर्शाए हैं, बिटवीन 22 एंड 24% ऑड। और जो नए रेस्पिरेटरी लॉन्चेस हो सकती है अगले 2 से 3 तिमाही, जो 2 से 3 कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी लॉन्चेस है ना सिर्फ यूएस में बट ईयू मार्केट में भी, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट साइज है और बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, जिसके वजह से जो मैनेजमेंट कमेंट्री है रेवेन्यू मार्जिन्स और बॉटम लाइन ग्रोथ को लेके ये बरकरार रहेगी। एफडीए कंसर्न्स लार्जली पेंसिल्ड इन है, और जैसे रेजोल्यूशंस आते जाएंगे मुझे लगता है आई थिंक और भी कॉम्प्लेक्स ड्रग्स आते जाएंगे विद अ स्टेबिलिटी इन आरएनडी एक्सपेंसेस एज फार एज द टॉप लाइन इज कंसर्न्ड बिटवीन 7-7.5% आई थिंक दिस इज वन स्टोरी दैट वी कंटिन्यू। लाइक स्टेक सेल होगा नहीं होगा वो पता नहीं, बट ये स्टोरी नंबर्स के हिसाब से हमें काफी अच्छी। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल मयूर से चर्चा आगे भी जारी रहेगी, देखना होगा। फिलहाल तो ये खबर अनुराग हम तक लाए हैं ब्लैकस्टोन के पीछे हटने की। अगर आप जरा चेक करना, वो है बायोकॉन, इसको यूरोपियन कमीशन से एक दवा की अप्रूवल मिली है। ये शेयर टेक्निकली अच्छा था, साउंड है, अब एक खबर भी आ गई है इसके साथ में, एक बार जरा चेक करके बताइए। बायोकॉन डिफेंसिव, चार्ट ठीक है, खबर भी है इसके पास अब। ओवरऑल बायोकॉन की अगर हम बात करें तो जिस समय फार्मा के अंदर आउट परफॉर्मेंस चल रहा था, बायोकॉन कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस में था। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 2 साल के अंदर प्राइस में 60% काइंड ऑफ अ करेक्शन हमने देख लिया है। एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, रिसेंटली उस फॉलिंग चैनल के अंदर से ब्रेकआउट हमें जून महीने के अंदर दिखा है, जून 2023। अब उस टाइम पे स्टॉक्स अभी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आ गया है, और कहीं ना कहीं जून से लेकर अब तक स्टॉक वहीं कंसोलिडेट कर रहा है। सो क्लियर कट एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है बायोकॉन के ऊपर। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो कहीं ना कहीं 273-270 के जोन में हमें बाय करके जाना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा पोजिशनल के हिसाब से 260 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और थोड़े लंबे समय के लीजिए लीजिए, जैसे कि 1 महीने से 2 महीने के व्यू पॉइंट के हिसाब से। अगर आप 2 महीने तक स्टॉक होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली 300+ के टारगेट आपको बायोकॉन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बायोकॉन 260 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए।